तू चुराई ले रह सके और जानबूझ के इतना लंबा ड्रामा कर वही ले। तू अपना आपके आलिया के बेस्ट फ्रेंड बोले लेना, शर्म ना आयल तो क्या ऐसा करे में। का करे जात रहलो तू? मतलब तू ऐसा निकलबो ना, हमके उम्मीद ना रहे। का बोल रहल बाड़ा तनु? तू अच्छा से जाना तड़ो हम कोना बारे में बात करत नहीं। तू ई जौन ई सब कहलू ना, ठीक ना कहलू? वन सेकंड, तारा अभी ये लगल बा कि उरिंग हम गायब कर ले रहे। आलिया सभी के सामने कह रहे कि उरिंग उ गलती से हमार बैग में रख दे ले रहे। गॉट इट? तनु स्मार्ट होके के मतलब ये ना कि दूसरा के बेवकूफ समझा। और तू का प्लान करत रहलू हम अच्छा से जाना था नहीं। यू हैव नो आइडिया कि हमके तोरा पर कितना गुस्सा आ रहा बा। एंड यू नो व्हाट, आई एम सॉरी टू से दिस बट आई एम ग्लैड कि अभी की शादी तोरा से ना भेल। कहे कि तू ओकरा के डिजर्व ही ना करे लो, तू ओकरा लायक ही नहीं खो। एंड यू नो व्हाट, अब अभी की शादी हो चुकल बा, इसे तू उसे जितना दूर रहू ना तनु अच्छा बा, तोरा खातिर भी और ऑफ कोर्स अभी खातिर भी। हमार ना तू अपन फिकर करो, काहे कि जैसे हम प्यार करी लेना वो तो हमके मिल जाए, बाकी तू जैसे तू प्यार करत रह ना उना तो तहार हो सकल और ना केहू और के हो पाई। I must say, this shirt is looking really good on you. Thank you, darling. First time, हमार डिजाइन कल शर्ट तू as it is पहन ले बाड़ा। और oh hi Pragya, mwah mwah, wow, look at you, you are looking so pretty. I must say कि तोरा पर हर कलर सूट करेला। Look how pretty she is looking. Sure are you? Thank you. अभी हम करते हैं कुछ। My baby, how are you? I'm fine. You know what? हमनी के सोसाइटी की सबसे अच्छा बात क्या बा? कि रिलेशनशिप टूटला के बाद भी हमनी अच्छा दोस्त रह सका था नहीं। हम आलिया से मिल के आवता नहीं है? Isn't he funny? Must not be. I wanna talk to you now. हम बस दादी खातिर दवाई लेवा आई रही। का भेल तनु? तू बदल गई अभी। हम हमारे इतना इंसल्ट भाई, तू एक बार भी हमरा पास आईला, हमरा से बात कईला? तनु हम जब से हम आयल बानी तू बस उस चश्मे के साथ चिपकल बाड़। तनु हम कैसे तरह से बात करती? घर में अगर क्यों हमनी के बात कर सुन लेता और तू दाना बाड़ू दादी कौना मूड में बाड़ी? उनका मूड के फिकर बा, हमार ना तू हमके भूलता ना कहले ना। तू का बोल रहल बाड़ू तनु? तनु यू आर ओवर एक्टिंग, तू जानत बाड़ू घर के सिचुएशन का बा। तो निकले इस सिचुएशन से, चला हमरा साथ है, हमनी दोनों कहीं दूर चल जाए जहाँ हमनी के अलावा कोई और ना हो। तनु हम कैसे आ सके नहीं, घर में इतना सारा गेस्ट बाड़े, दादी के कजिन्स, प्रज्ञा की फैमिली बा। हमके ओकर नाम भी नहीं के सुने के अभी। ओकरा ला अगर तू हमके इग्नोर कर लेना तो हमके बात ही नहीं के करके ओकरा बारे में। तू बस हमरा साथे चल रहल बाड़ा अभी, डैट सेट। तनु हम कैसे आ सकेली? आलिया के सगाई बा, एंड यू नो हाउ मच इट्स मीन टू मी, हम ई सगाई छोड़ के नहीं किया सकत, यू गॉट टू अंडरस्टैंड। हम जानत रही तू इहे कहबा, बाकी इंसल्ट करावे के तो जैसे आदत हो गई बा हमके, बाकी ठीक बा, तू रह यहां और कर सेलिब्रेट, हम जा रहल बानी। हे तनु, तनु, हे तनु, लिसन टू मी। Damn you, Andy. अरे राजधानी एक्सप्रेस जैसन कहाँ जा रहल बाड़ू? तू हो ना मालगाड़ी के राजधानी कहा तारू। बता दे का भइल? अरे एकर तो चेहरा पे ही लिखल बा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गइल बा एकर। हाँ भइल बा झगड़ा, कब वो बात ना करब उसे। आय हाय तनु, तू हो कमाल करा तारू, झगड़ा बॉयफ्रेंड से भइल बा और सारा गुस्सा तू आलिया पे निकाल देलू। आलिया पे? हाँ, तू ओकर रिंग चुराइलू ना। ऐसा ना करेगी बेटा, अगर केहू केहू के साथे बुरा करेला ना तो ओकरे साथे बुरा हो खेला। तू ओसे ओकर मंगेतर अलग कैल चाहत रहू ना। देखा तहरा से तहार बॉयफ्रेंड अलग हो गई। अरे सुनत हा, हमनी तहार भला खातिर बोला तानी, तहार तहार बॉयफ्रेंड से झगड़ा भइल बा ना, हमनी ओके सुलझावा चाहतानी। तू प्रज्ञा से मिला, वो
बड़ा अच्छा घर के संस्कारी लड़की बिया। उ तहरा के टिप्स दी कोना तरह से बढ़ के मनावल जाला। तहरा जगह अगर हम होती ना तो हम उसे दोस्ती कर लेती और उसे कुछ सीखती। अगर कोई 10 अच्छाई भी तहरा अंदर आ गई ना तो हार तो लाइफ सेट हो जाए। दुर्गा, हम अभी प्रज्ञा के भेजत बानी। अगर हमनी ओके समझाइब ना तो उ तहार हेल्प जरूर करी, समझ लू। चला। अभी दिन ना गेल बा, वो बहिन जी से हमके टिप्स लेवे पड़ी, सब अभी की गलती बा। सर पर चढ़ा रख ले बा ऐसे तो पता ना को। सॉरी, तू समझे लो का अपना आप के। हाँ, तू हमके सिखाइबू कि कैसे हम अभी के हैंडल करी। हाँ, हम ऐसन कब कहनी उहे ता तू कुछ कहे लो कहा। तू तो करे लू, घर के सब बुढ़ियन के अपना साइड कर रख ले बाड़ू। देखिए आप, उनकर कान भरे लू और ऊ जाके अभी के कान भरे लू। यही से तो अभी हमके बाकी तहरा का लगल बा। ई कब तक चली? हाँ, आज तो तहार किस्मत अच्छा रहे कि तहार बैग से रिंग ना निकला, न तो सभी के सामने तहार चोर बने से केहू ना रोक सकत रहे। और अपने फैमिली के सामने इतना बेइज्जती हो जाए ना तब पता चली कि हम जानत बानी तू हमार और अभी के बीच में आवे की कोशिश कर रहल बाड़ू। बाकी ना तू ऐसा नहीं कर सकत। तू हमार और अभी के बीच में तक आ, तू एक घर में ही ना रहबू। बस कुछ दिन के बाद फिर देखियो हम कैसे टिके देत बानी शादी। कौन शादी की बात कर रहल बानी आप? इस शादी हमरा लागी को मजाक से बढ़ के और कुछ नहीं खे। उस शादी की बात कर रहल बानी आप जिकर बुनियादी झूठ पर रखल गयल होके, और रिश्ता की बात कर रहल बानी जौन केहू के दिल तोड़े खातिर जोड़ल गयल होके, या उस शादी की बात कर रहल बानी जहाँ क्योंकि पूरा जिंदगी बर्बाद करे की 7 जन्म के 7 के नाम दे दिल गई। ओ शादी की बात कर रहल बानी जहाँ अग्नि के साक्षी मान के 100 कसम खाइल गई होके लेकिन रिश्ता एक दिन भी ना निभावल गई। जौन शादी में पहला रात के ही पति अपन पत्नी के साथ ना अपन गर्लफ्रेंड के साथ होके आप लोग के यहाँ आए के शादी कहल जाले होगी। हमरा यहाँ ऐसा मजाक भी खराब मानल जाला। दर्द भइल ना दर्द, अब यह दर्द हम अब हमके दर्द ना होके, अब ना होके दर्द। कहे के हमार दर्द भी सामने वाला की धोखा के समझ चुकल बा। अब हमके कौनो फर्क ना पड़ेला अभी से कहाँ बाड़े केकरा साथे बाड़े और का कर रहल बाड़े। हमके फर्क पड़ेला तो सिर्फ अपन परिवार खातिर। हमके फिकर बात है सिर्फ अपन परिवार के खुशी के। अपन परिवार के खुशी खातिर हम ही रिश्ता निभा रहल बानी। लेकिन बुरा ना मानी तो आपसे एगो सवाल करब। हमार तो खैर किस्मत ही खराब बा लेकिन आपकी का मजबूरी बा। आप काहे करे देनी अभी से के शादी हमसे? आप उनका से प्यार करीला भी? शट अप, मुंह बंद कर अपन। हम तहरा जैसे नहीं खे, समझ लो। तहरा में और तहार बैग में ना कोनो फर्क नहीं खे। तहरा बैग में 360 रुपए रहे और तहार शकल 100 रुपए के बा। तू हो का? हाँ, मेकअप की स्पेलिंग भी मालूम बा तहरा? आईलैशेस का होला तहरा पता भी बा? और अगर ब्यूटी पार्लर में चल गयी ना तो उनके भी समझ में ना आए की तहरा करी का। हमके टिप्स देवे चलल बा। और अगला जन्म में भी ना तू हमरा जैसे नहीं खे बन सकत, गॉट इट? हम आपके जैसन बनल भी नहीं खी चाहत। जैसन भी बानी ठीक बानी, हम मानत बानी कि आप हमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत बानी। बहुत ज्यादा पैसा बा आपके पास, आप टैलेंटेड बानी, फेमस बानी। जहां से भी गुजरत हो कब लोग मुड़ मुड़ के आपके दिखित होगी। हमारा पास आपके जैसन महंगा ड्रेस या आपके जैसन स्टाइलिश बैग उमे 5-5 क्रेडिट कार्ड या हमारे पास आपके जैसन बैंक बैलेंस नहीं खे। इनमें कौन शक नहीं कि आप लाखों में एगो बानी। बाकी हमारा जैसन लाखों लड़की चाहे कि भी आपके जैसन नहीं बन सकत। अब आई ना बात लेकिन समझ। आप जाके भी हमरा जैसन नहीं की बन सकत। आप एगो मॉडल हैं, आप खातिर मेकअप और आईलाइसेस के मतलब समझल बहुत जरूरी बा। लेकिन हम एगो टीचर हैं, हमके आप जे ज्ञान दे रहल बानी वो फिजूल बा हमरा ला। काहे कि हम बच्चा सबके वो ज्ञान दिहिला जौन उनके जिंदगी में अच्छा इंसान बने सिखावेला। हमके केहू के खिलाफ प्लॉटिंग या प्लानिंग करके ओके नीचे दिखावे ना आवे। काहे कि हम बच्चा सबके वो सीख दिला जिसे उनके सर ऊंचा करके जी के प्रेरणा मिलेला। आप शायद सवेरे उठ के सबसे पहले आईना में आपन सकल देखत होगा, लेकिन हम भगवान के देखिला। आपकी दुनिया में आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आप खुद हैं। ले हमार जिंदगी में बहुत सारा लोग पड़े, हमके हमेशा उस सबके ख्याल रहेला। दादी नाश्ता कैनी की ना, माँ दवाई लेनी की ना, यहाँ बंटी और बबली के ध्यान रहेला तो वहाँ अपन बहिन के। और सबसे बड़ फर्क, हम झूठी ही सही, गलत सही, लाल चीज सही, खूबसूरत ना सही लेकिन बेवकूफ ना है। अपन सच्चाई अच्छा तरह से जानीला। जैसन भी बानी
आप जैसन नहीं खी जो कोनो शादी शुदा आदमी के साथ नाजायज रिश्ता रखे। इली बहन जी आपके मनपसंद दही भल्ला। थैंक यू जी, थैंक यू। सरनी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बा, लेकिन दही भल्ला इतना मीठा का है बा। अरे, मैं तो गुलाब जामुन गिर गए रहे और तू खा ले लू। एक अरसा के बाद सबके साथ एक खाना खाए में कितना स्वाद आ रहा बा। बात नकली लोग के साथ नकली ढंग से खाना खाए से नकली ही स्वाद आवेला। एगो काम करे ना, आप दोनों कबो कबो आ ही गई करी, का बहन जी ठीक बा ना? हाँ हाँ जी। बहन जी आप फिकर मत करी, बहु आ गई भी है ना, हमने आवत जात रहब। और अभी अपन पोथा खातिर प्रज्ञा जैसन बहु भी तो खोजे के बा। अरे ना ना, ऐसन गलती बिल्कुल ना करिया। ऐसे काहे बोल ले तू रॉकस्टार? मार मतलब बके हमार बीवी जैसन ना एक के होकी चाहिए, दूसर पीस ही दुनिया में दिखे के बिना चाहिए। सही कह रहा बाड़ा। वैसे प्रज्ञा बेटा बिया कहाँ? अरे छोड़ी ना, आप खाई ना अपन दही भल्ला। अरे उ रहल, यहाँ आजो बेटा, यहाँ आजो। बेटा तू खाना खैलू की खाली सभे के खिला रहल बाड़ू? हम बाद में खा ले। काहे एकर हाथ से खैबू का? चला भी तू एक अपन हाथ से खिलावा। दासी हम काहे खिलाई, एकर अपना हाथ भी दबा। बेटा एक दूसरा के खिलावे से प्यार बढ़ेला। अरे पहले तो आप कहले रहनी सिर टकरावे से बढ़ेला। सिर टकराए से लड़ाई खत्म होकेला और हाथ से खिलावे से प्यार बढ़ेला। का सोनी? बिल्कुल। अरे हम नहीं खिला रहल, अगर ही हमार हाथ काट ले ली तो? चुप कर बच्ची, वो काट खाई तो रखी। अबे इन्हीं होने का देख रहल बाड़े, जाना। कहां फंस गए नी हम, इतक काटी है लेकिन अगर तनु देख ले ली ना तो कच्चा चबा जाई। खाना खिलावे के और मीठा से शुरू करी है। हमरा खिलावे से अगर सच में प्यार हो गए तो ही तो पीछे ही पड़ जाई। का करी? लाल मिर्च। हाँ हाँ भाई मजा। चश्मिश, किशमिश आवा कम। खाला तू तो ऐसे दूर दूर रह लू जैसे अभी तारा के काट खाई। अले कुची पू, बेबी के भूख लागल बा, बेबी मिठाई खाई, बेबी के बहुत मजा आई। चला बेबी मुंह खोला, मुंह खोला। कैसन लागल? अच्छा बा। अच्छा बा, कुछ कुछ भइल ना? कहो के रहे? एक और खा, खा खा खा। अब कुछ भइल? इता लाल मिर्च के भी हजम कर गइल। अरे तबीयत इतना कड़वा बोलेली। प्रज्ञा आप तू एक खियावा? हम अब हमनी से का शर्मा रहल बड़ू तू? वैसे भी तहार और हमार उम्र में ज्यादा फर्क थोड़े बा, चला खियावा ना। अरे ना दासी, हम तो अभी भर पेट खाना खेले बानी, मिठाई खातिर कोनो जगह नहीं खे। अरे चला बीवी के हाथ में ज्यादा मजा हो खेला। खिलावा बेटा, खिलावा। हमार झूठा हो चली ना। अरे मुंह का है बना रहल बाड़े? मुंह में कंकड़ आ गई। ई का मुंह तो ऐसे बना रहल बा जैसे मिठाई ना मिर्ची खा रहल बा। का मजाक है, मिठाई में भला कोनो मिर्ची होखेला कबो? हमनी भी तो खैले रही। चल बंद करी नाटक,
बेटी खिलावा खिलावा एक के। एगो एगो और खा ले। खाना। सॉरी। ए हाँ ये ठीक बा। लगता बहू के प्यार हजम नहीं खे हर। देखो गई ना। अरे स्वर्णी बहन जी, सरसों के साग और मक्के की रोटी खाई ना। हाँ हाँ चली फिर। हाँ चला 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 चला। कहाँ भेज कहाँ भेज पानी। एक मिनट पानी। आपकी मीठा चीज तीखा लगे ला। अरे शट अप शट अप यू क्राउट क्राउट। कबो कबो हमके खुद पे गुस्सा आवेला। मन करेला खुद के पंच मारी चीनी। अब सिंपलिसिटी से ही खूबसूरती आवेला। बड़ी तरह पे बहुत अच्छा लगत बा। आई नो आखिर पहन ले के बा। अरे बाप रे, अगर आलिया हमके देख लेलस तो यहाँ सबके सामने हमके सुना दी। हम अभी आवता नहीं। हाँ वो प्रज्ञा तो बच गई लेकिन ये आलिया हमके ना छोड़ी। सुनी मिताली भाभी, बंटी बबली के कसम आलिया, हम कोनो गलती नहीं कहले। हम तो रिंग प्रज्ञा के बैग में ही डल ले रही लेकिन प्रज्ञा के बैग से तनु के बैग में कैसे आ गई। अरे हमके बहुत कंफ्यूजन हो रहा बा। हमके नहीं के पता हम कुछ गलती नहीं कहले। हम जरूर गलती तो हमार है कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट कहनी। मिताली भाभी हमके वो रिंग आपके देवे के ही ना चाहत रहे, खुद हमके वो प्रज्ञा के बैग में रखे के चाहत रहे। सच माना हम वो रिंग प्रज्ञा के बैग में ही डल ले रही। चुप रही मिताली भाभी, एक्सक्यूज मत दी। दूसरा चांस दे रहा बानी, ओके गवाए मत। हमके ये पता करके बताए कि तनु के बैग में वो रिंग के रखलस। एंड रिमेम्बर नो मिस्टेक दिस टाइम। नाना हम पता लगाए लेकिन उना प्लीज हमके डटिया मत। वो हमार दादी की याद आ जाला। वो बचपन में हमके यही तरह डांटत रही। लिसन हमके आपके ये दादी के कहानी नहीं के सुने के। वो अपन एंगेजमेंट के दिन आई वांट टू नो द रिजल्ट। ओके ओ गॉड। कौन चक्कर में फंस गेले मिताली? ये कैसे पता लगेबू तू के कहले हो कि घर में ऐसा के बाजे? कहीं पूरब के आलिया के प्लान के बारे में तो ना पता चल गए? और उहे रिंग बुलबुल के बैग से निकाल के तनु के बैग में डाल देलस लेकिन वो प्रज्ञा के बहन के काहे बचाई और तनु के काहे फंसाई जे की आलिया के फ्रेंड ही है। कितना कंफ्यूजन बा मिताली, कैसे सॉल्व कर बे तू? दारू बंद करो और ये एप्पल जूस पिया। एप्पल जूस राइट? यस सर। चीयर्स। चीयर्स। कैसन लागल? हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ भाभी जी। एक्सक्यूज मी। अच्छा सुनी कहीं? अरे बोला ना। अब शराब पी रहल बानी? काहे तरा भी पिए के बा? हम शराब ना पी। हाँ तू तो खून पिए लो ना। इला हम क्या आपसे एगो बात करे के रहे? बस सिर्फ एगो बात। अरे बीबी हो, एगो बात से केहू के मन भरल बा? बका आई मीन बोला। अब प्लीज हमार माँ के सामने शराब मत पी। तहर माँ के सामने ना पी? अरे तहर दादी के सामने। अरे तहर दादी के सामने का खुद ऊ हमके पिले ले रहनी। तब माँ आपके पीला के बाद आपके हर्ष ना दिख ले रही और दादी चुपके से पिले ले रही आपके। अरे हम चुपके पिए सबके सामने पी, वो हमार मर्जी है ना। अगर हमरा पिए से हमार दादी के बुरा नहीं खेला गत तब हम केहू और के बारे में काहे सोची? उनके बुरा ना लगे कर मतलब ईना की उनके अच्छा लगेला। कम से कम उनका बारे में ही सोच के मत पी। अरे हम केहू के बारे में कैसे सोच सकेली? हमारे दिमाग में तो ही चलत रहेलू ना। जब से तू हमारे जिंदगी में आयल बाड़ू हमारे लाइफ के सुकून ही चल गई बा। ऐसे हमके पिए के पड़े ना ताकि हम तुम्हारी सड़ल सकल बना ओकरा भुला सके। अगर तू वाकई चाहत बाड़ू की हम ही शराब ना पी तो प्लीज हमार लाइफ से चल जा। एग्जिट गेट लॉस्ट। अब से तो बात कर ले मुश्किल बा। शराब पिए के बना तब पी।
पूरा बोतल खत्म कर ली, मन चाहे तो उसे ना भी नहीं, लेकिन प्लीज शराब पीला के बाद हमरा चाहे हमारे परिवार के सामने मत आई। हमरा पे हुकुम चला रहल बिया, उंगली दिखा रहल बिया। अब हम दिखाओ के टीएल केकरा बोलल जाला। कम ऑन अभी। एक्सक्यूज मी, एक का कर रहल बड़ा अभी? उ चश्मिश के हम छोड़ अब ना। अरे हमरा के ऑर्डर करत रहनी कि पिया मत, ओकर मॉम के बुरा लगी, बिना पिए ओकर उ हालत करब ना कि हुकुम चलावल भूल जाई। ओके, बट तू पी काहे नहीं खे रहल? अरे ओकर मॉम के सामने हमार मतलब कि हमार मन नहीं खे करत, लेकिन ओकरा के छोड़ब ना। ओकर मॉम के सामने ओकर इंसल्ट करब, उ तोहार इंसल्ट के ले रहली ना। अब देखिया कैसे बदला ले, वॉच मी। ऐसन करे काउंटर पर ना खाना फिर से गरम करके लगा दी दोबारा। जी मैडम। हाँ जी। अबे का कर रहल बा? हाँ छोड़ा हमार, जस्ट लीव मी। अबे सुना तो। आज हम सुनब ना, सिर्फ सुनाइए। हमार मना कला के बावजूद इस तरह पी ले, इतना नशा में बड़े तनु के साथ ऐसे बात कर रहल बड़े, तो हमरा से तो हम देखा भी ना इनका तरफ। आप यहाँ? लेकिन पति हैं हम तोहार, पति परमेश्वर, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह हम ही हम। बीवी हो ना तू हमार? बीवी हो कि ना? ना बीवी के फर्ज बनेला कि वो अपन पति के हर बात माने, राइट कि रॉन्ग? राइट की रॉन्ग? राइट राइट। गुड गर्ल, तो चला हमरा साथे। कहाँ? गंगा में डुबावे हरिद्वार थोड़ो ना ले जाए, वो टेबल तक चला। ना जाए। का? ना जाए। ना जाए वो? ना। अरे मम्मी जी देखी आपके बेटी। हम जा रहल बानी ना, अब माँ के काहे बुला रहल बानी? ता जा। चली। थैंक यू रॉबिन। यहाँ काहे लेके आए हमके? एक दूसरे के मीठा खिलैनी, तब प्यार इतना बढ़ गेल के अब हमके भी प्यार आ रहल बा। मन कर रहल बा तहरा के कुछ मीठा खिलाई ना, बाकी ऐसे ना, टॉपिंग के साथ। एमे थोड़ा टॉपिंग तो होके के चाहिए। का कर रहल बानी आप? मिठाई बना रहल बानी। खाए के? हम कैसे खा सकत बानी, इतना सारा मिर्ची डले बानी? ओए दरा जनो तरा हम खाई लेनी। आप काहे कर रहल बानी सब? हुकुम चला ले ना तू। अब तारा समझ में आ गेल कि घर में केकर हुकुम चलेला। खा। हम ना खाई। मो खा रहल बानी। खा। चबा। मिर्ची लग रहा पानी। केहू तोरा के ही ना बतेले इसकी मीठा के बाद पानी ना पिया चला ना, तब मीठा के मजा चल जाए। तू पानी छोड़ा ही पिया? हम नहीं के पी सकत। अगर एके हम पी सकत बानी तो तू कहे नहीं के पिया? पिया हम ना पिया। ना पिया बू? हुकुम चलावे के बहुत शौक बना तारा।
तरफ इतना तीखा खियाई कि हुकुम चलावल ता दूर के बाद जबान भी ना चलाई पाबू तू। अरे हमरा पिए से तहार माँ के बुरा लागेला, अगर तू इना पीबू तो तहार मुंह के बुरा लागी ओ कर का। हम इना पिए हमके हमके पानी पिए के बा। ना पीबू ना पीबू ना पीबू ना पिया। दादी दादी कमाल बा, मिर्ची लागत रहा, एप्पल जूस देत रहनी, लेकिन हम ही पी लेत बानी। फ्रेश दादी के पास राहत बानी, इनका सामने कौनो बदतमीजी ना करी हूं। अच्छा तो हमरा से बचे खातिर दादी के सहारा। एक्सक्यूज मी एवरीवन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसे कि आप सब लोग जाने ले कि हमार बीवी बड़ा प्यारी है, बड़ा सुशील है, इनके डांस इतना अच्छा तरह ना आवेला, यही से हमरा साथे डांस करत करती बार बार गिरत रहली, लेकिन ये हार ना मन ली और ये हमके हरावे के मन बना ले बाड़ी। और ये हमके चैलेंज के ले बाड़ी कि हमरा साथे डांस करी है और ये बेर ही बिल्कुल ना गिरी है, बल्कि हमरा हर कदम के साथ अपन कदम मिली है। और जैसे की लोग कहे ले जे करेला अपन बीवी से प्यार, वो ओकर चैलेंज के कैसे करे इनका। Am I right? अपन वाइफ से यह कहे चाहब कि ऑल द बेस्ट, और हम चाहब कि ये चैलेंज में वो हमके हराए। एवरीवन प्लीज कीप माय वाइफ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। फुलफुल प्रज्ञा के तो डांस करे आविला ही ना, फिर वो काहे अभी कहीं से कारल बिया। मम फिर से डांस जमी के हो ककल बा। चल तनु, आई एम श्योर भाई कुछ ना कुछ सोच के रख ले होइए। ही इज अप टू समथिंग, आई नो हिम। जा बेटा बुला रहल बातों के। अच्छा कहलू, जे चैलेंज कर लेलू अब तो के हरा के रहिया प्रज्ञा। जा जाना जा। अरे जा का भाई, डर लग रहा बा, डराए के कोनो जरूरत नहीं की। बस इतना याद रखी है कि ओकर हाथ मत छोड़ी है, चाहे कुआं में भी गिर जाए हाथ मत छोड़ी है। लेकिन दादी फिर तो उहे गिर जाए ना, जियत साथ में गिरत साथ में। याद बाना शादी के वक्त वादा कर ले रहो ओकरा से, तू ओकर हाथ कबो न छोड़बू, कुछ भी हो जाए बस अपन वादा याद रखी है, ओकर हाथ मत छोड़ी है, गिरी है भी साथ में और उठी है भी साथ में। जा एवरीवन प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। मिर्च के बाद जबान ना चलत रहे ना, अभी डांस के बाद पाँव ना चली। ओकर हाथ मत छोड़ी है, गिरी अभी साथ में और उठी अभी साथ में। चल जाए हाथ छोड़ा हमार ना छोड़ब। हाथ छोड़ा
देख लू, हम कहले रही ना, हाथ मत छोड़िया। बेटा एमे दही भल्ला और डाल दो। माँ जी आप मीठा खाई नी? हाँ हाँ हम तो खा चुकनी। दीदी का बढ़िया अरेंजमेंट के लिए बाड़न इलोग फंक्शन खातिर ना, डेकोरेशन लाइट्स कितना अच्छा बा। बाकी एगो कमी रह गए खाने में ना, मटर पनीर एमे मटर जोन बा कच्चा बा, और चावल भी बासमती नहीं के लागत, और मीठा में भी ना केसर कुछ ज्यादा हो गए बा। बोल तो ऐसे रह बा जैसे खुद के कनो केटरिंग के बिजनेस हो गए। तू एगो काम करी है ना, अगला बार जब शादी में खाना बनी ना, तो तू कुक के जाके खुद बता दी है कि मटर कितना गले के चाहिए, केसर कितना डाले के चाहिए ना। हम तोर तो केटरिंग के ही काम बा, और के बताए। और वैसे भी भांजी के ससुराल में थोड़ा सा मदद कर देवे तो प्रज्ञा के अच्छा ही लगी। ठीक बात दीदी, अगला फंक्शन में ना उनके सब समझा दे। काहे भाई मदद काहे, हम तो कहत बानी पूरा केटरिंग के काम ही संभाली हूं। पूरा केटरिंग के? हाँ जी, आलिया के शादी रिसेप्शन में कैटरिंग के काम आप देखी। एक काम खातिर आपसे अच्छा और के हो सकत बा। आपके बात सही बा, बाकी बेटी के घर पर काम करते अच्छा बात बा, बाकी वहाँ से पैसा कमा के गए अच्छा ना लगे। काहे अच्छा ना लगे? बेटा वक्त के साथ साथ अगर हमने अपन सोच ना बदलनी तो हमने अपन बच्चा सबके सही से कैसे दे पाई। वो जमाना गुजर गए जब लोग कहत रहे कि बेटी के घर के पानी भी ना पिए के चाहिए। भला काहे ना पिए के चाहिए? अगर बेटा और बेटी दोनों बराबर बा तो बेटी के ससुराल वाले और मायके वाले बराबर होके के चाहिए ना। लड़का और लड़की पूरा उम्र एक साथ रह सकेले, तब फिर दोनों परिवार एक बन के काहे नहीं के रह सकत। हमनी के अपना बच्चा सबके खुशी पहले बा या फिर पुरान बात? आप कहता नहीं तो अगला फंक्शन में हम पूरा मदद करब। सिर्फ मदद? एकर मतलब आप आपन काम के पैसा ना ले। पैसा तो ना ले पाए हम। तो फिर हम हुई कह सकत बानी कि हम आपन बहू के मायके वालन के एहसान ना ले। ठीक बा ना? देखा बेटा, रिश्तेदारी और काम आपन आपन जगह बा, इनके मिलावे के कोशिश मत कर। बड़ फंक्शन में बड़ लोग गई है, उनके आपके खाना पसंद आई, जहाँ आपके बिजनेस बढ़ी, और फिर आपन बेटा के बारे में काहे नहीं की सोचत। आपके बिजनेस बढ़ी ता आगे चल के तू है बिजनेस संभाली ना। हाँ बोल दी पापा जी, इनकर फंक्शन में ना बड़ बड़ फिल्मी लोग आवेले, अगर इनका खाना अच्छा लगल ना तो इनकर सब फंक्शन में कैटरिंग के काम हमनिया के मिली। आपके बेटा के हमार बात समझ में आ गई बा, बाकी आपके ना। सरला जी, हम यहाँ आपके एक ना सुना, आज ही हम अगला फंक्शन खातिर मैनेजर से इनके एडवांस दिलवा दे पानी। ठीक बा। फैमिली यू जे एक दूसरा के काम आवे। ठीक बा ना? सब कुछ अच्छा से हो गए, मेहमान भी चल गए ले। सब कुछ कितना अच्छा रहा ना? अरे वाह दीदी, आप तो कमाल कर देनी, एगो रॉक स्टार के डांस मारा देनी। लेकिन इतना अच्छा डांस सीखनी कैसे आप? नारे हम वहाँ वो तो बस उनका साथ है। रखिया हमके एको बात समझ में ना आए कि जान के भी तो के डांस ठीक से ना आवे, वो काहे तोरा के बार बार स्टेज पर लेके जाला। पता ना काहे हमके ऐसा लगत बा कि जैसे वो कौनो बात के गुस्सा उतार लिया तोरा पर, जैसे जैसे कौनो सबक सिखावल चाहत होके तोके। ना माँ, कैसन गुस्सा कैसन बदला, आप खुद सोची ना, वो इतना बड़ रॉक स्टार हवे और उनकर बीवी के डांस भी ना करे आवे, उनके बुरा तलागत होगी ना। इसे बस सिखावे की कोशिश करे लेका है कि हमके ना आवेला ना माँ। अरे डांस ना आवेला? दीदी आप उनके हरा देले बानी, देखिए कैसे मुंह बना के खड़ा बाड़े। दीदी आज तो उनके मनावे में आपके बहुत टाइम लगी। इता अभी भी पीरल बाड़े और वो गुस्सा में, भगवान ना करस माँ के सामने ये कुछ अनाप सनाप कह दे लेता। सरला जी जी, एक मिनट जरा जी।
मजा आ रहा बा ना, लेकिन हम के नहीं के आ रहा बा, हम केहू से ना हार ली, लेकिन तू हम के हारेलू, हम के गिरेलू, सबके सामने हमार इंसल्ट कैलू, अब देखा हम तहरा साथे का करब, वो भी तहरा परिवार के सामने। आंटी जी। हाँ बेटा जी। हम क्या आपसे आपके बेटी के बारे में कुछ बात करे के बाद। हम आपके बेटी से प्यार न करे ली, और प्यार तो दूर के बाद हमके ओके शक्ल तक नहीं के पसंद, जब देखी ला तो हमके घिन आवेला, गुस्सा आवेला कि ई हमार बीवी है, नफरत करेली हम उसे, और प्यार प्यार हम सिर्फ तनु से करीला। कहल का चाहत बड़ा वह जो आप सुन रहा बने, तंग आ गए बनी हम एकरा से, अरे जीएल मुश्किल कर देले भी आई, अब नहीं खी रह सका था हम एकरा साथे, एक साथ एक कमरा में सूती था पूरा सपना आवेला, और सवेरे अगर हम एकर चकल देख ली तो बनत काम बिगड़ जाला। बहुत छुपा लेले बनी, बहुत सा लेले बनी, अब हमार धम घुटे लागल बा, ई जैसन दिखेली वैसन बिया ना, और जितना सीधा दिखेली ना उतना ही चालू बिया लेकी। बेटा जी अगर आप मजाक कर रहे बाड़े ना, ये बहुत ही भद्दा मजाक बा, शादी कैले बानी आप प्रज्ञा से पत्नी ही आओ, आपके आप कैसे शादी, आपके लगे लगे केहू इसे शादी कर सकेला, देखत ही मना कर दिया, ऐसा शकल बाए के शकल छोड़ा दिल और भी गंदा बाए का, जो ना घर में जायू घर के बर्बाद कर दी, अरे पूछा ऐसे कि शादी के आड़ में कितने लोग के धोखा देले बड़ी, हम के पूरब के आलिया के दादी के यहाँ तक के आपके भी धोखा देले भी आई। प्रज्ञा प्रज्ञा तू चुपचाप काहे खड़ा पड़ो, एक का बोल रहल पड़े, तू जवाब देना है बात के, बिना तू काहे हमार और अपन बेइज्जती करा रहल पड़ो, कुछ तो बोल। प्रज्ञा बेटा बेटा ये सब का, अरे दादी ये का बोली, इतना जगह मुंह मार चकल बिया कि एकर केहू के सामने मुंह नहीं खेगुलत, लेकिन लेकिन हम बतावत बनी सच का बात, यह हियाउ लेकी, यह हियाउ लेकी जे पैसा खातिर पूरब के फसेले सो, जेकरा वजह से आलिया पूरब से दूर चल गई, और जो ना दिन आप हमार रिश्ता लेकर एकरा पास गई ना तो एकर लालच और बढ़ गई, और ही पैसा खातिर पूरब के छोड़ के हमरा से शादी कर ले, ई केहू से प्यार ना कर सकेला काहे कि सिर्फ पैसा से प्यार करी, और जो ना दिन एकरा हमरा से अमीर लड़का मिली ना, ये हमरा के छोड़ के ऊ लड़का के पास चल जाई, और ऐसा झूठी लालची और धोखेबाज इंसान के जगह घर के अंदर ना घर के बाहर होके के चाहिए। प्रज्ञा कुछ तो बोलो, हम जानत बानी ये सब सच ना हो, बाकी हम तहार मुंह से सुनल चाहत बानी, कह दो कि सब झूठ हो बेटा, ये इल्जाम तरह पना हमार भरोसा पर लागल बा, बोल ना सच का हो। प्रज्ञा इतना बेइज्जती कर रहल बाड़े तोरा, तू चुपचाप खड़ा बाड़ू, तू एके जवाब काहे नहीं के दे, तू बोले काहे नहीं, इंसल्ट हम नहीं के कर रहल बानी, इंसल्ट ई कैले बिया आप सब लोग के, पूछिए से कि आज तक एकर सारा रिश्ता काहे टूटत रहला, पूछिए से कि एकर शादी कोनो सिंपल घर में काहे ना भइल, काहे कि ई ना चाहत रहे, एकर सोच जितना छोट बना एकर ख्वाब उतना ही बड़बा, इस शादी खातिर लड़का लोग से मिल तो लेते रहे लेकिन ऐसा कुछ करते रहे जैसे शादी ही ना होके, कहे कि एक ही सिर्फ पैसा वाला लड़का लोग पसंद पड़े, हमसे बड़ धोखा तो ये आपके देले दिया, और एक ही घर से का आपके घर से भी निकाल देवे के चाहिए, बोला ना कुछ का हम झूठ बोल रहे बानी, खड़ा खड़ा देख कर रहा बाबू, बोले खातिर कुछ नहीं के तरह पास,
प्लीज माँ उठे, दीदी की दीदी बोल रही है, माँ माँ उठे।